अस्सलाम वालेकुम व्यूबर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल देसी स्ट्रीट स्टाइल वेज चाउमीन एंड एग चाउमीन। चाउमीन इज़ अ चाइनीज स्टर फ्राइड नूडल्स डिश दैट इज मेड विद एंड विदाउट मीट। चाउ मीन्स स्टर फ्राइड एंड मीन मीन्स नूडल्स। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं स्ट्रीट स्टाइल देसी स्टाइल वेज चाउमीन एंड एग चाउमीन। इसके लिए हम लेंगे 1 पैकेट ऑफ नूडल्स। आप कोई भी नूडल्स ले सकते हैं। आप नूडल्स को पैकेट पर इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली बॉईल कर लें और फिर नूडल्स को स्ट्रेन करके ठंडे पानी से रिंस करके उस पर 2 टेबलस्पून ऑयल लगाएं। ऑयल लगाने से नूडल्स आपस में चिपकेंगे नहीं। ये देखिए नूडल्स बिल्कुल अलग अलग हैं। और हम लेंगे 2 कप्स श्रेडेड कैबेज एंड 1 कप जूलियन कट कैरेट एंड 2 कप्स जूलियन कट कैप्सिकम। हम स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन बना रहे हैं इसलिए इसमें सिर्फ ये 3 बेसिक वेजेस डाली जाती हैं। आप वेजेस की क्वांटिटी अपनी पसंद के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हम लेंगे 2 मीडियम साइज रेड देसी अनियन। स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन में स्प्रिंग अनियन यूज़ नहीं होती है। और हम लेंगे 1 टेबलस्पून चॉप्ड जिंजर एंड 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक। और ये 3-4 हरी मिर्चों को भी हम जूलियन कट कर लेंगे। अब हम प्रिपेयर करेंगे चाउमीन की सॉस। ये सब हम पहले ही प्रिपेयर करके रखेंगे क्योंकि चाउमीन हाई फ्लेम पर बनती है और सारे इंग्रेडिएंट्स जल्दी जल्दी ऐड करने पड़ते हैं, इसलिए आप ये सब प्रिपरेशंस पहले ही करके रखिए। सॉस के लिए हम लेंगे 3 टेबलस्पून वाइट विनेगर और इसमें हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस। ये सॉस ज़रूर यूज़ होती है स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन में। और इसमें हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून रेड चिली सॉस। ये स्पाइसी बनती है, आप इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। और हम लेंगे 2 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस। अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट और एज़ पर टेस्ट 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है चाउमीन में। एंड 1 टीस्पून शुगर। और अब ये देसी चाउमीन की ज़बरदस्त सॉस तैयार है। अब हम एक हैवी बॉटम कढ़ाई में 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और गर्म होने पर इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड गार्लिक एंड चॉप्ड जिंजर। और अब इन दोनों को हाई फ्लेम पर 30-40 सेकेंड्स के लिए स्टर फ्राई करेंगे। हमें गार्लिक ब्राउन नहीं करना है। अब इसमें ऐड करेंगे स्लाइस्ड अनियन और अब इसको भी हाई फ्लेम पर 1 मिनट तक सौते करेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे कैरेट्स, अब इसको भी 1 मिनट तक स्टर फ्राई करेंगे। और इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम, कैबेज, ग्रीन चिलीज। अब इन सबको हाई फ्लेम पर स्टर फ्राई करेंगे। इन वेजेस को हमने ओवरकुक नहीं करना है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे ये स्पाइसी एंड टैंगी सॉस। और अब इस सॉस में इन वेजेस को मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक पकाएंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे नूडल्स और अब इन सबको नूडल्स के साथ टॉस करेंगे। इनको हम तब तक टॉस करेंगे जब तक कि नूडल्स वेजेस में और सॉस में अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाएं और सॉस में कोट ना हो जाएं। अब मैं आपको यहाँ एक टिप देती हूँ कि जब हम बाहर ये चाउमीन खाते हैं तो वेजेस काफ़ी क्रंची होती हैं क्योंकि उनके पास फ्लेम बहुत हाई होती है। हमारे घर की फ्लेम उतनी ज़्यादा हाई नहीं होती है तो घर की चाउमीन में वेजेस हमेशा थोड़ी सौगी हो जाती हैं। बाजार जैसा टेस्ट लाने के लिए हम ये थोड़ी रॉ वेजेस बिल्कुल एंड में मिक्स करेंगे। इससे होगा ये कि खाते टाइम हमें वही स्ट्रीट चाउमीन जैसा क्रंची टेस्ट आएगा। ये देखिए ये स्पाइसी देसी चाउमीन अब तैयार है। अब काफ़ी लोग इसी चाउमीन को एग के साथ खाना पसंद करते हैं तो अब हम इसी चाउमीन में एग ऐड कर देंगे। उसके लिए हमने यहाँ ये 2 अंडे लिए हैं। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट और एज़ पर टेस्ट। और अब इसको हम विस्क करेंगे। और अब एक फ्राइंग पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और ये अंडे डाल देंगे और इसको दोनों तरफ से फ्राई करेंगे। और अब फ्राई होने के बाद इस ऑमलेट की पतली पतली स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। और अब ये ऑमलेट पीसेस आप चाउमीन में ऐड कर सकते हैं। अब हम चाउमीन की प्लेटिंग करते हैं एंड हेयर इट इज़।
देसी स्ट्रीट स्टाइल वेज चाउमीन और ये एग चाउमीन तैयार है। इन केस किसी को एडिशनल सॉसेस की ज़रूरत हो तो आप चाउमीन को इन सॉसेस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये स्पाइसी चाउमीन आप खाएंगे तो आपको अपने स्कूल की या कॉलेज की कैंटीन की चाउमीन ज़रूर याद आएगी। तो देर किस बात की है, ये स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन आप घर में ही बनाइए और आप अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ एंजॉय करिए।